गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी। वी लर्न अबाउट नाउन। नाउन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को नाउन के बारे में बताया था, आज उसी के बारे में डिटेल्स से उसके काइंड के द्वारा उसके पूरे डिटेल्स को बताऊंगी। नाउन, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, टेम्पल, डॉग, चेयर, बुक, ईटीसी। और भी इसमें आप लोग ऐड कर सकते हो। बॉय से किसी पर्सन है, बॉय, टेम्पल, प्लेस, एनिमल, डॉग, थिंग्स, चेयर, बुक, ईटीसी। काइंड्स ऑफ नाउन, तो नाउन के कितने भेद होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो हो गया आपके काइंड्स ऑफ नाउन। इसका हिंदी होता है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। इसको अब मैं इसका डिफिनेशन एक एक करके बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में पूरे को डिटेल से एक साथ बताऊंगी। कॉमन नाउन अ वर्ड दैट नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स इन जनरल। फॉर एग्ज़ाम्पल, मदर, टाइगर, सिटी, टेबल, ETC। ऐसा वर्ड नेम का वो किसी व्यक्ति, स्थान, एनिमल और थिंग्स का जनरल नेम को क्या कहा जाता है? नेम वाले वर्ड को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मदर, मदर कहने से पूरे मदर जाति का बोध होता है। टाइगर कहने से टाइगर जाति का बोध होता है। सिटी कहने से जितने भी वर्ल्ड में सिटी है सारे सिटी आ जाएंगे। टेबल, टेबल कहने से वर्ल्ड में जितने भी टेबल है सभी आ जाएंगे। तो इस तरह कॉमन नाउन क्या होता है? यह नेम होता है किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर और वस्तु के जनरल नेम को। प्रॉपर नाउन द स्पेशल और पार्टिकुलर नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी स्पेशल और पार्टिकुलर नाम जो किसी पर्सन को या प्लेस या थिंग्स को दिया गया हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे पर्सन में राम आ गया, श्याम हो गया, सीता हो गया, ये पार्टिकुलर नेम हुआ तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। प्लेस जैसे इंडिया एक कंट्री है तो ये क्या हुआ? ये पार्टिकुलर नाम। पटना, ग्रीनलैंड, ये क्या हुआ? पार्टिकुलर नेम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। थिंग्स वस्तु के किसी स्पेशल थिंग्स, जैसे यहाँ पे फ्लावर का है तो जास्मीन स्पेशल नेम है तो ये भी आ गया। उसी तरह होली बुक रामायण है, ये पार्टिकुलर नेम है बुक का तो ये थिंग्स में आ गया तो ये पार्टिकुलर नेम है तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। इस तरह कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको मैं हिंदी में एक बार बता देती हूँ। कॉमन नाउन किसी जाति भर के बोध को, किसी पूरे जाति का बोध, किसी शब्द से संज्ञा का वह शब्द जिससे पूरे जाति भर का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में डिटेल से बताऊंगी। पहले तो आप लोग कुछ होमवर्क देती हूँ। आप लोग बुक में होमवर्क होगा उसको देख लोगे। यहाँ थोड़ा सा बुक में ध्यान दीजिएगा। कॉमन नाउन, आई वॉन्ट टू बी ए राइटर। राइटर कहने से पूरे जितने भी वर्ल्ड में राइटर हैं सभी राइटर आ जाते हैं, लेखक। बट प्रॉपर नाउन में आस्था, क्रिस्टिक रॉट मैनी बुक्स। तो ये आस्था क्रिस्टिक जो है वो पार्टिकुलर नेम है राइटर का, इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में जैसे कैट हो गया और उसी कैट में तिमसी किटन का नेम है या कैट की नाम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन। नेक्स्ट में सिटी हो गया कॉमन नेम और उसी सिटी में से एक नेम है सैन फ्रांसिस्को, तो ये पार्टिकुलर नेम है इसीलिए प्रॉपर नाउन हुआ। उसी तरह यहाँ टीचर है, टीचर कॉमन नेम है, जितने भी वर्ल्ड में टीचर है सभी आ जाएंगे। बट यहाँ पे पार्टिकुलर नाम है इसीलिए ये मिस्टर सिन्हा ये प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरह प्लैनेट करने से जितने भी ग्रह सब आ जाएंगे, लेकिन जुपिटर बृहस्पति ग्रह है ये पार्टिकुलर नेम है,
तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे आप लोगों को जो कॉमन नाउन है उसको आइडेंटिफाई करना है, प्रॉपर नाउन है दोनों है उसी में से आपको अगर कॉमन नाउन है तो सी लिखना है, प्रॉपर नाउन है तो पी लिखना है। इस तरह इसको आप लोग अपने अपने कॉपी में नोटबुक में इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट यहाँ भी है वही क्वेश्चन, आप लोग को क्वेश्चन में दे दे रही हूँ, ये रहा आपका क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना है, प्रॉपर नाउन है तो उसको सर्कल करोगे और अगर कॉमन नाउन है तो उसको अंडरलाइन करोगे। इस तरह ये हो गया आपका होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कलेक्टिव नाउन के बारे में बताऊंगी और होमवर्क भी दूंगी। और चैप्टर वन में आप लोग उसको भी सॉल्व कर लोगे। चैप्टर वन में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया था लेकिन उसका होमवर्क नहीं दिया था मैंने, तो इसमें क्या करना है नेक्स्ट वीडियो में आपको रीअरेंज करना है किसके अनुसार, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैंने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में बताया था। तो कैसे होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसा ना होता है, तो उसी के आधार पर इसको आपको अरेंज करना है। यहाँ पे आपको इसको लिखना है कौन सा पहले आया कौन बी बाद में होगा। इस तरह जैसे सी कार ट्रेन बस, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सबसे पहले आता है, तो बी आता है तो बस हो गया, उसके बाद सी आता है तो कार हो जाएगा, उसके बाद एस आता है तो सीप हो जाएगा, फिर ट्रेन टी आता है इसलिए ट्रेन हो जाएगा। इस तरह इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लोगों को रीअरेंज करना है, ये भी आप लोग का होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कलेक्टिव नाउन के बारे में बताऊंगी।